नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट की, जहां से एनसीपी नेता धनंजय भीमराव महाडिक सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर शिवसेना के प्रत्याशी संजय सदाशिव को 3,03,259 वोटों से पराजित किया था। धनंजय भीमराव महाडिक को 6,07,665 वोट मिले थे। वहीं संजय सदाशिव को मात्र 5,74,406 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर कोल्हापुर जिला ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्हापुर का मराठी कला के क्षेत्र में बेहद खास योगदान रहा है। विशेष रूप से कोल्हापुरी हस्तशिल्प बहुत प्रसिद्ध है। कोल्हापुरी चप्पलें तो देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म से रूबरू कराते कोल्हापुर की कुल आबादी 23,19,768 थी, जिसमें से 67% आबादी गांव में निवास करती है, तो वहीं 32% लोग शहरों में निवास करते हैं। यहां 12% एससी वर्ग है, तो वहीं 0.51% लोग एसटी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ का माँ लक्ष्मी मंदिर आस्था का केंद्र है, जिसका दर्शन करने के लिए देश के चारों कोनों से लोग आते हैं। कोल्हापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं। साल 1952 में यहाँ पहला आम चुनाव हुआ था, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। 1957 का चुनाव PAWPI ने जीता, तो वहीं 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और तब से लेकर 1971 तक यहां पर कांग्रेस का ही राज रहा। 1977 का चुनाव यहां पर पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ने जीता, लेकिन इसके बाद 1980 से लेकर 1998 तक यहां पर कांग्रेस का शासन रहा। साल 1999 का चुनाव यहां पर पहली बार NCP ने जीता, और तब से ये सीट उसी के पास है। वहां अब आपको बता दें, यहां से NCP के टिकट पर लगातार 3 बार सदाशिव महाडिक ने जीत दर्ज की। साल 2014 के चुनाव में यहां से धनंजय भीमराव महाडिक जीतकर संसद पहुंचे। सांसद धनंजय महाडिक की गिनती NCP के कद्दावर नेताओं में होती है। हाल ही में उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड लगातार तीसरी बार मिला है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में सांसद धनंजय महाडिक की उपस्थिति 73% रही है, और इस दौरान उन्होंने 62 डिबेट में हिस्सा लिया है और 1,070 प्रश्न पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर शिवसेना और नंबर 3 पर PWPI थी। उस साल यहां कुल मतदाताओं की संख्या 17,58,300 थी, जिसमें से मात्र 12,60,289 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था और यहां पर मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,64,298 और महिलाओं की संख्या 5,95,991 थी। साल 2014 का चुनाव BJP और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। एक वक्त कोल्हापुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1999 के चुनाव के बाद से यहां पर NCP का राज है, और इस बार के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ हैं। ऐसे में इस सीट पर NCP को हराना काफी मुश्किल भरा काम है। इस सूरत में विरोधी दल कैसे यहाँ NCP को टक्कर देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि इस बार की यहाँ पर NCP और उसके सहयोगी दलों का सिक्का चलता है, या फिर हमें कुछ और चौंकाने वाले नतीजों से रूबरू होना पड़ता है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। आज के सफर में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने नई संसदीय सीट के लेखे जोखे के साथ। बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।